भास्कर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी। साफ तौर पर यहाँ पर मेरे को ये समझना है कि राज्य सरकार पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, बहुत जरूरी होता है कि राज्य सरकार इसमें आगे बढ़कर कहे कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए और जितना जरूरी है हम आगे बढ़कर इस पर सहयोग करेंगे केंद्र सरकार का, ताकि हमारे बॉर्डर सुरक्षित हो, किसी भी तरीके की घुसपैठ ना हो, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला। ये आरोप कौन लगा रहा है? बंगाल का जो बॉर्डर है, कभी गए, कभी देखे, कभी वहां पर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इतना मतलब घिनौना बात कहे एक संप्रदाय के ऊपर। चलिए तो मैं अपना सवाल फिर पूरा कर देती हूँ, एक आंकड़ा आपको बताती हूँ, उसके बाद आप इसका जवाब बोलने दीजिए। आपने कहा ये किसने पूछा है? बोला है मुसलमान लोग। आपने कहा ये किसने पूछा, मैं आपको बता देती हूँ, 2023 की बात है। रुकिए सर, प्लीज मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, फिर आपको मैं पूरा मौका दूँ। 2023 की बात है, पूरी बात इसको समझिए। भारत बांग्लादेश की जो कुल सीमा है उसमें जो पश्चिम बंगाल से सटती हुई सीमा है वो 2216 किलोमीटर है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा गया है कि 81.5% पर फेंसिंग का काम पूरा किया जा चुका है, 18.5% में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जमीन अधिग्रहण और तमाम ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें राज्य सरकार का कोई भी सहयोग हमें नहीं मिल रहा है। तो इसी इलाके को लेकर भी आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इसी पर्टिकुलर एरिया से हो रहा है, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। नहीं, ये बात तो एकदम झूठ है। कि पहला बात ये कि फेंसिंग के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है क्या? पूरा मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आजकल का आधुनिक यंत्र है, उसमें आधुनिक यंत्र से पूरा घेर लिया जाता है और उसमें सुरक्षा दिया जाता है। फेंसिंग पूरा देश में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। पूरा फेंसिंग देना भी मुश्किल है और पूरा फेंसिंग देने का बाद भी घुसपैठी होता है। यह मान लीजिए कि बीएसएफ नाकामयाब रहे, अपन सिर्फ बंगाल में जहां जहां पर ऐसा भी जगह है जहां पानी है, तालाब है, सब कुछ है, बॉर्डर में तालाब है, पानी है, और वहां पर बॉर्डर को ठीक जैसे मतलब डिमार्केट करना भी मुश्किल काम है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि बंगाल के सरकार ये इसको नहीं चाहिए कि फेंसिंग देने के लिए इनकार कर दें। बात यह है कि बीएसएफ पैसा लेता है, बीएसएफ आर कोरप्ट, एंड इन लोगों का तो सीमा बढ़ा दिया गया 30 किलोमीटर तक, इन लोगों का राज चलता है। बीएसएफ दिन में रात में सारा दिन इन लोग तो स्मगलिंग का सामान सब कुछ करता है, और गृह मंत्री क्या कहते हैं आप लोग करते हैं, मतलब का अरेस्ट करते जो हैं हमारी क्या? सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या पॉलिटिक्स में घेरने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मतलब बॉर्डर वहां पर रहकर अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहे हैं और आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं। मेरा सवाल सीधा सा आपसे इतना था कि राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए केंद्र सरकार का या नहीं? राज्य सरकार को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के पुलिस वहां पर नहीं है। बॉर्डर में राज्य सरकार के पुलिस नहीं है, वहां पर बीएसएफ है। बीएसएफ क्या कर रहा है? बीएसएफ उसका जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है। और मैं बोल रहा हूं, ये सब करके, हिंदू मुसलमान करके, घिनौना बात करके, मुसलमान समुदाय के ऊपर ये सब बात जो किया गया, अभी हमको सुनने में बहुत कष्ट लगा कि हर मुसलमान लोगों को उन्होंने आतंकवादी बना दिया। राधिका, यहाँ पर आपने सुना भास्कर क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा राज्य सरकार का पूरा सहयोग है। तो फिर सवाल ये है कि ये इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है? बचा कुचा जो एरिया जहां फेंसिंग होनी है वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि राज्य सरकार अड़ंगा लगा रही है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है राधिका? देखिए, ये तो सब जानते हैं कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही। बंगाल में 8 जिले हैं, वहां पे आबादी मुसलमानों की जिस तरीके से बढ़ी है वो 90 के दशक में कश्मीर की हालात याद दिलाती है। हिंदू समाज पर जो खतरा बढ़ रहा है उसकी चिंता ममता बनर्जी को नहीं है, क्योंकि वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए इन बांग्लादेश शरणार्थियों का स्वागत करती हैं और नारे देके स्वागत करती है और घोषणा करके कर रही हैं। वो कुछ भी नहीं चाहती, वो इन लोगों को ये तक नहीं मानते कि वो घुसपैठियां हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे देश के ही हैं। अब इतना वोटों का लालच हो चुका है क्योंकि और कोई उनको वोट देना नहीं चाह रहा, बाकी वोट बढ़ जाता है, एक वोट उनको कंसोलिडेट मिला है और वो हम जान रहे हैं, देखने को मिला है, वो सिर्फ उसी के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वरना आप बताइए इतना अंधा क्यों बन जाएगी? और मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अंदाजा नहीं है क्या? सिर्फ मुसलमान बारी का इंतजार कीजिए, डाउन कर दीजिए, ठीक है? प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा, जब आप विश्व उघल रहे थे राधिका, प्लीज कंटिन्यू, बीच में नहीं बोली थी, ठीक है? देखिए भास्कर जी, आपकी बारी पर। हिंदू लोग देखिए, ये सब जानते हैं कि जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध एंट्री हो रही है, जिस तरीके से संख्या तेजी से
पड़ रही है और ममता बैनर्जी जी बार बार इस पे चुप्पी साधी ने कहा है आज उनकी साथी कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर रही इस डिबेट को, क्यों कांग्रेस भागती फिर रही है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो कांग्रेस आके चिल्ला चिल्ला के कहती हम देश को बांटने का काम कर रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहती कि हम मुसलमान विरोधी है, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं उनकी नबज पकड़ ली गई है, उनकी सच्चाई सामने आ गई है, इसलिए वो भागते फिर रहे हैं। अगर वो बोल देंगे कि हाँ ये घुसपैठिया है तो वोट जाएगी, और वो बोल नहीं सकते कि हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सब कुछ सबके सामने है। तो यही एक पहला प्रमाण है कि ममता बनर्जी के साथ ही कांग्रेस और अन्य दल गायब है, कोई ऑफिशियली डिबेट पे नहीं आना चाहता और भागते फिर रहे और कन्नी काट रहे हैं। तो सीधा खतरा जो हिंदू समाज पर आज है उसको क्यों ममता बनर्जी नजरअंदाज कर रही है, क्यों राज्य सरकार का साथ? राधिका, आप ही की बातों पर सवाल उठता है ना, जब आप केवल हिंदू आबादी की ही बात करती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे का फिर क्या होता है जब आप केवल एक ही आबादी की बात करती है? आप क्या सभी मुसलमानों को उसी कैटेगरी में मान रही है पश्चिम बंगाल के? ना 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 ना, देखिए हम सभी को उस कैटेगरी में नहीं मान रहे, हम सबका साथ और सबका विकास की ही बात करते हैं, इसलिए पीएम केयर फंड से लेकर जो पीएम आवास योजना है उन लोगों को भी मिली जो हमें वोट नहीं देते, जहां जहां पीएम आवास योजना के शुभेंदु अधिकारी क्यों कहते हैं कि इस नारे की जरूरत नहीं, हम नहीं देते क्यों, हमें वोट नहीं मिलना है? नहीं, शुभेंदु अधिकारी क्यों कहते हैं राधिका, शुभेंदु अधिकारी क्यों कहते हैं कि इस नारे की जरूरत नहीं, क्या नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है कि हम मुसलमान के साथ नहीं है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब ये है बीच में मत कर चल लाइए। एक मिनट भास्कर जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, एक एक करके राधिका के पास मैं आपके पास आती हूँ प्लीज। सबका साथ सबका विकास का ये अर्थ होता है कि हमारा साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का साथ के साथ है और सबके विकास के लिए है। हम ना किसी जाति धर्म रंग या किसी हिंदू मुस्लिम जाट हो या गुजर हो या वो महिला पुरुष हो, हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते, हमारी जितनी नीति और नियत है वो सबके लिए एक समान है। ठीक है, फिर रिपीट करूंगी, इसीलिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे उससे मुसलमान वंचित नहीं रहे, वो हमें वोट नहीं देते ना देंगे, और हम ये जानते हुए भी ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनको हर स्कीम का बेनिफिट मिले। अगर हमारे लिए सबका साथ सबका विकास मायने नहीं रखता तो ऐसा नहीं होता।